गाइस कैसा आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू पॉल गेमिंग चैनल। तो गाइस यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पॉल एम्पायर में। तो यप आज दोबारा से बहुत दिनों बाद मैं आ चुका हूँ वापस से पॉल एम्पायर में। मतलब इतने दिनों तक मैं सिर्फ पोकेमॉन फायर रेड खेलने में बिजी था क्योंकि उसका ऑलमोस्ट एंडिंग आ चुका था। तो कैसा लगा आप लोगों को पोकेमॉन फायर रेड का एंडिंग वो भी मुझे ज़रूर बताना। एंड यप ये है आज का एक नया वीडियो। तो आप लोगों को लास्ट एपिसोड में याद होगा कि मैंने ये कुक्ड चिकन फार्म बनाया था जिसके एकदम ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ फिलहाल को। सो यप ये चिकन फार्म एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट चिकन फार्म है। नीचे आप लोग चिकन्स देख ही पा रहे होंगे, कुछ मिला के कुछ 10 से ऐसे कुछ 10-15 चिकन्स होंगे इसके अंदर जो लोग अंडा देते हैं। एंड वो अंडे बड़े, उन अंडों से जब चिकन्स निकलते हैं एंड जब वो बड़े होते हैं, मेरे नीचे जो ठीक लावा है, मेरे नीचे आई मीन ग्लास है एंड ग्लास के नीचे जो लावा है उस मतलब कि उसमें वो लोग चल के मर जाते हैं। एंड फिर हम लोग को एकदम ताज़ा ताज़ा कुक्ड चिकन मिलता है। को अगर हम लोग चाहे तो बासी बना के भी खा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है यार। तो आज मैं अपना एक खुद का KFC खोलने वाला हूँ, लिटरली स्पीकिंग KFC, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मैंने एक डिज़ाइन सोच कर रखा है। अगर वो डिज़ाइन मैं खुद से बना पाया, मतलब कि अभी तक आप लोग मेरा जो भी बिल्ड्स देख रहे हो, मेरे घर को छोड़ के मैंने अभी तक का, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं कभी भी ऐसे झूठ नहीं बोलता, मेरे घर को छोड़ के मतलब मेरा ट्रेडर हॉल समझ लो जो मैंने एकदम बहुत मेहनत से एक बड़ी वाला जो ट्रेडर हॉल, उसके बाद मेरा जो नेदर पोर्टल है वो वाला, उसके बाद मेरा जो बार्न है वो वाला भी, इन सबको मैंने लाइक ऐसे यूट्यूब के ट्रायल वीडियो से देख के खुद नहीं मतलब कि देख के बनाया, मतलब खुद इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सो ये बट आज का जो ये मेन जो KFC होने वाला है वो मैं खुद से बनाने की सोच रहा हूँ। वर्क हो गया तो फिर तो भाई वो बहुत ही क्रेजी सा दिखने वाला है, एकदम रेस्टोरेंट सी फील का बनाने वाला हूँ मैं उसको। सो यप ऑल राइट। तो गाइस यार आप लोग सबसे पहले एक बार देखो कि अपना जो ये कुक्ड चिकन फार्म है ये कितना एफिशिएंट है, मतलब आप लोग एक बार देखो। मैंने एक्चुअली इसको अरेंज किया आप लोगों को दिखाने से पहले, बस ये मैंने क्या करके रखा है राम। ओके यहाँ पे अभी, अबे यार मैं क्या कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे मुझे फेदर्स ला कर रखने पड़ेंगे। मैंने एक स्टैक अपने लिए भी उठा के रख दिए है, मतलब कि कभी भी मुझे अभी खाने की तो कोई कमी होने नहीं वाली है। सो अभी इसको डेकोरेट करने का टाइम है। एंड आप लोग मेरे इन्वेंटरी में ढेर सारा सामान देख ही सकते हो। तो ये सारा सामान कहाँ से आया है? ऑब्वियसली मैंने खुद से जमा की है। एंड यप तो अभी इन सामानों से मैं बनाने वाला हूँ अपना जो होटल कहो या फिर KFC कहो, जो कुछ भी कहना है कहो, वही कुछ भी बनाने वाला हूँ मैं। तो उसके लिए हम लोगों को सामान चाहिए होगा। सबसे पहले चाहिए होगा हम लोगों को वाइट कॉन्क्रीट, उसके बाद मैंने लिया है कुछ ब्लैक स्टेन ग्लास डेकोरेशन के लिए, उसके बाद फ्लोरिंग के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ स्प्रूस वुड प्लैंक्स। एंड मैं इसको दो फ्लोर का बनाने वाला हूँ एंड बंदों के बैठने के लिए भी जगह बनाने वाला हूँ, तो इसलिए कुछ स्प्रूस वुड स्टेयर्स। एंड उसके बाद लैंटर्न्स तो चाहिए होगा, वरना मॉब्स ही वहाँ पार्टी करते रहेंगे, इंसानों की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी ये। और उसके बाद हम लोगों को चाहिए होगा कुछ फेंसेस। एंड ये मैं क्या कर रहा हूँ भगवान जाने। ओके तो फेंस चाहिए होगा कुछ टेबल बनाने के लिए, एंड प्रेशर प्लेट भी हम लोगों को टेबल बनाने के लिए चाहिए होगा। मैंने एक्चुअली एक गलती कर दी है, मैंने ओक फेंस लिया है एंड स्प्रूस प्रेशर प्लेट लिया है, आई डोंट नो वाई बट पागल हो गया हूँ मैं। एंड मैंने कुछ जंगल डोर्स लिए। मैंने रिसेंटली मुझे पता चला कि मेरे यहाँ से कुछ करीब 100-150 ब्लॉक्स दूरी एक मतलब ऐसे जंगल वाया मतलब बहुत बड़ा वाला, मैंने वहाँ से अभी तक बैम्बू नहीं लाया नीदर पांडा, तो वो भी मुझे लाना पड़ेगा। तो देर किस बात की, फटाफट से अपने काम को शुरू करते हैं। बट 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 उसके पहले सबसे पहले हम लोगों को कोशिश करना है कि हम लोग, एक मिनट, इस वाले ग्लास का आई डोंट थिंक सो कोई ज़रूरत है क्योंकि ऊपर वाले ग्लास से अपना लाइक वो कवर रह रहा है एंड आई डोंट थिंक सो इस वाले ग्लास की कोई भी ज़रूरत है। तो अगर हम लोग इसको तोड़ दें तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा एंड कोई भी यहाँ से एस्केप भी नहीं कर पाएगा। सो यप दैट्स हाउ वी डू। ओके तो यहाँ पे भी नीचे एक और है तो इसको भी तोड़ देते हैं। एंड सबसे पहले हम लोगों को करना पड़ेगा इसको कवर करना पड़ेगा सिवाय चेस्ट के, क्योंकि चेस्ट अपना दिखता रहना चाहिए क्योंकि वहीं से हम लोग सामान निकालेंगे। अगर वही नहीं रहेगा तो हम लोग घंटा या एक AFC बनाएंगे इसको। तो या
अभी हम लोग को वो करना है एंड उसके बाद हम लोग एक और काम करने वाले हैं जो कि होने वाला है अपना रेस्टोरेंट बनाना। तो मैं फटाफट से सबसे पहले इसको कवर करते हैं, देखते हैं कि कैसे मैं इसको बना सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ। मतलब ऐसे कवर करना है जिससे कि ये दिखे भी बहुत बढ़िया और ऐसा गंदा भी, मतलब कि हम लोग सामान वामान भी उठा सके यहाँ से। सो ये मैं इसको कवर करता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट में। ऑल राइट, तो गाइस यार अपने KFC का बेस पूरी तरीके से बन चुका है। लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। मैंने अभी तक का यहाँ पे एक भी विंडो वगैरह नहीं बनाया, मैंने सिर्फ इसका बेस बना दिया है कि ये कैसा दिखने वाला है एंड बस मैं अंदर का डेकोरेशन करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी है कि मतलब कि मैंने कैसा डेकोरेट किया है इसको। बाकी विंडोज़ वगैरह मैं ऑफलाइन में भी कर सकता हूँ। तो यप अभी के लिए इसका बेस तैयार हो चुका है एंड ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। मैं आप लोगों को अंदर से एक टूर दे देता हूँ कि ये कैसा बना है। तो अंदर आते ही हम लोग को यहाँ पे ऐसे चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना सर्विंग एरिया है जहाँ से हम लोग आके अपना कुकड चिकन वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी कुछ चिकन वगैरह पड़े हुए हैं एंड उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा मैं डाइनिंग एरिया टाइप कुछ बनाने वाला हूँ। लेट्स सी कि क्या हो सकता है। एंड यहाँ पे ऊपर को आता है स्टेयर एंड ऊपर आने के बाद यहाँ पे आता है मेरी फेवरेट जगह, एक बार मैं यहाँ पे एक बार खोलने वाला हूँ। एंड अब ये देखो इस तरीके का कुछ होने वाला है। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइक ऐसे रेस्टोरेंट टाइप यहाँ पे मेनली यहाँ पे खोलने वाला हूँ। बाहर को लोग अगर चाहे तो ऊपर आके भी बैठ सकते हैं एंड अंदर को ऑर्डर दे सकते हैं एंड इनको सर्विंग मिल जाएगा ऊपर आके भी, या फिर वो लोग अंदर भी बैठ सकते हैं। अभी तक का मैंने विंडो वगैरह कुछ बनाया नहीं है तो वो भी मैं बनाने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं अभी अंदर का डेकोरेशन करने वाला हूँ एंड बाहर जो बेस बनाना था वो तो मैंने अकेले में बना लिया, मैंने आपको दिखाया नहीं। बट मैं लिटरली स्पीकिंग इसको बनाने में मुझे 13 स्टैक्स प्लस वाइट कंक्रीट लगी है, 5 स्टैक प्लस स्प्रूस वुड प्लैंक्स की ज़रूरत पड़ी है एंड ब्लैक स्टेन ग्लास कुछ तो ज़रूरत पड़ी है। सिर्फ 39 बचे, आप लोगों को पता ही होगा मेरे पास कितना था, मैं खुद भी भूल चुका हूँ मैं कितना लाया था ब्लैक स्टेन ग्लास। बट अब इसने हालत ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा वाइट कॉन्क्रीट, मुझे बहुत ग्राइंडिंग करना पड़ा वाइट कॉन्क्रीट के लिए। बट एट दी एंड सक्सेसफुली ये बन चुका है। अब ये इतना भी खास दिख नहीं रहा है। मैं ये ऊपर के इस जगह पे फ्रंट एरिया पे एक KFC लिखने वाला, बहुत बड़ा एक साइज़ का KFC लिखने वाला एंड विंडोज़ वगैरह तो होने वाले नीचे के फ्लोर पे भी एंड ऊपर के फ्लोर पे भी, छोटे छोटे विंडोज़ या बड़े बड़े देखते हैं क्या कर सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा खाना भी ख़त्म हो चुका है मेरा, 13 ब्रेड था 4 हो चुका है एंड 2 स्टीक था, आई गेस 7 स्टीक था एंड 6 कुक्ड मटन थे वो सब भी मैंने खा लिया एंड कुक्ड चिकन मैंने अभी तक का खाया नहीं है। बट जो भी हो कुछ नहीं, स्टीक आई गेस मैंने जावा एडिशन का बोल दिया, स्टीक आई गेस उसको कुक्ड बीफ बोलते हैं, जो भी हो कुछ भी हो। अभी हम लोग जाते हैं अंदर का डेकोरेट करने के लिए, तो मैं आप लोगों से डायरेक्ट अंदर मिलता हूँ कुछ अंदर के डेकोरेशन के मटेरियल्स को लेके। ऑल राइट, तो गाइस यार मैं आ चुका हूँ अंदर एंड अभी यहाँ पे शुरू करते हैं डेकोरेट वगैरह करना। एंड उसके ऊपर लगेंगे अपने प्रेशर प्लेट्स कुछ इस तरीके से। हे राम मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से लग जाए यार, व्हाट द हेल।
ऑल राइट गाइज, यार आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई नो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा कुछ तो बनाया के दिखाया नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाना पड़ रहा था। मैंने लाइक पहले जो कंस्ट्रक्शन किए है वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं बस वीडियो देख के बना दे रहा था। एंड बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा कि अभी मैं क्या करूँ अभी मैं क्या करूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, इसीलिए मैंने उसको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। एंड अब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। एक बढ़िया KFC खोल लिया है हम लोगों ने, एंड मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मैं पिछले 2 घंटे भी नहीं, कम से कम 2.5 घंटे से मैं इसको बनाया जा रहा हूँ। 2.5 घंटे की मेहनत अभी तक सिर्फ इतना ही हुआ है। अगर मैं ऐसा यहाँ पे और भी मान के चलो 1.5-2 घंटे तक का लगा रहा हूँ कुछ डेकोरेशंस के पीछे, तो ये गारंटी बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है। बट आज के इस वीडियो में मैं और कुछ नहीं करने वाला हूँ, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।